बिल खारिज किया लेकिन सेकंड बेल एप्लीकेशन का ऑप्शन छोड़ दिया जी। न्यायालय ने ये कहा कि आप ट्रायल कोर्ट पे जाइए और वादनी का और विक्टिम का दोनों का बयान होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक, दोनों का बयान होगा, जिरह होगी, पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, और जो मोबाइल है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ले आई। इतनी चीज़ें जब हो जाएंगी तब आप सेकंड बेल एप्लीकेशन डाल सकते। मेरे भी आया है कि गैंगस्टर लगा है और कोई जो बैंक पे इन्होंने फॉल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था उसके बाबत भी है। बहुचर्चित भदरसा रेप कांड मुईन खान की आखिर जमानत हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई। आपको बता दें कि भदरसा रेप कांड जिसकी पूरी पूंछ पूरे देश में रही, मुईन खान, राजू खान जिनको की जेल हो चुकी है, सेशन कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई, कल हाई कोर्ट से भी उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। हमारे साथ हैं अयोध्या कचहरी में सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार उपाध्याय जी। सरकार ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कुछ डायरेक्शन भी दिए हैं। कल चूंकि बहुत डिटेल मैं पढ़ नहीं पाया था, हमने एक वीडियो बनाया था, आखिर क्या डायरेक्शन है, अब उस पर क्या होना है, उसके जानने के लिए हमारे पास उपाध्याय जी हैं। सर, जमानत अर्जी खारिज हो गई, सेशन कोर्ट में तो खारिज हुई थी, हाई कोर्ट में भी, अब क्या होना है? हाई कोर्ट ने कल मोहित की बेल खारिज करते हुए ये निर्देश दिया है लोअर कोर्ट को, इट मीन्स मेरी पाक्स ऑफ फर्स्ट कोर्ट को, कि वो पीड़िता और वादनी का बयान एक माह के अंदर, चार सप्ताह, एक माह के अंदर पूर्ण करा ले। इसके बाद मोहित को ये लिबर्टी भी दी गई है कि इसके बाद वो अपनी बेल वहाँ हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ दो मुकदमे और भी लग गए हैं, एक गैंगस्टर भी है, एक जालसाजी का भी लगा है। ऐसा संज्ञान में मेरे भी आया है कि गैंगस्टर लगा है और कोई जो बैंक पे इन्होंने फॉल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था उसके बाबत भी है। वो डिटेल मुझे नहीं पता है लेकिन हाँ ये है मेरे संज्ञान में है कि दो मुकदमे इसके बाद लिखे गए। नहीं तो अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए उनको बेल हो भी जाती, हाँ तो बिना बिना सारे मुकदमों में जमानत हुए रिहाई नहीं होगी। क्या डे टू डे इसका सुनवाई होनी है, कुछ इस तरह का डायरेक्शन? नहीं, हमारे यहाँ है कि एक उसमें तीन बार वर्ड यूज हुआ है, हाईकोर्ट ने यूज किया है, 4 वीक्स, 30 डेज, 1 मंथ, ऐसे तीन बार यूज किया है अलग अलग। तो कहने का मतलब कि एक माह के अंदर मुझे पीड़िता और वादनी का बयान व जिरह कम्प्लीट करना है, तब्दील करना है, फिर वहीं जहां से चले थे, मतलब हाई कोर्ट ने फिर विशेष अधिकार मतलब सेशन कोर्ट को दे दिया है, अब सारी सुनवाई यहां पे होगी, उसका ट्रायल होगा विद इन 1 मंथ, 4 महीने, मतलब उसको वादनी का, उसका पीड़िता का बयान भी तो होना है कुछ? हाँ, वादनी और पीड़िता का बयान और जिरह एक माह अच्छा में पूर्ण कराना है, बाउंड कर देना है, बाउंड किया हाँ। कोर्ट ने बाउंड कर दिया है। आप बताएं विनोद कुमार उपाध्याय जी, चूँकि आप सरकारी अधिवक्ता हैं, अब आगे मैं उसके सामने, मोहित खाम के सामने विकल्प क्या है उसको मैं जानने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपसे चूंकि ट्रैक पर ही बात कर सकते। एक्ट में भी प्रोवाइड है, पॉक्सो एक्ट सेक्शन 35 में भी प्रोवाइड है कि चार्जशीट प्रसंज्ञान लिए जाने के 30 दिन के अंदर पीड़िता का बयान पूर्ण हो ही जाना चाहिए। अच्छा, पूर्ण हो ही जाना चाहिए। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब मुईद के सामने विकल्प क्या है, लेकिन आपसे चूंकि बात नहीं कर सकता हूं, आप सरकारी अधिवक्ता हैं, एक ट्रैक पर रहना है। धन्यवाद सर। थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे भाई, सेफ कह दी हम, सुरक्षित कह दी नहीं दादा बदिय, अरे नहीं कबो कबो उल्टा हम पेल जाए। आखिर वही हुआ, मुईद खान की बेल हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई थी। सेशन कोर्ट से तो बेल खारिज हुई थी, हाई कोर्ट में लंबी बहस के बाद बेल खारिज हुई। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं विनोद कुमार उपाध्याय सरकारी अधिवक्ता हैं उनसे बात कर रहा था, क्या डायरेक्शन मिला है, सब कुछ बिल्कुल मिला के हाई कोर्ट ने फिर सेशन कोर्ट को जिम्मेदारियाँ कुछ दे दी हैं, विद इन 1 मंथ उनको डिसाइड करनी है। अब क्या विकल्प है मुईद खान के पास, आखिर क्या आर्डर हुआ है? चूँकि वे विनोद उपाध्याय जी सरकारी अधिवक्ता हैं, उनसे केवल ट्रैक पर ही बात कर सकता था। इस बात करने के लिए सारी चीज़ों हमारे पास फिर है एक बार नवीन कुमार मिश्रा जी, भविष्यवाणी फिर सही हुई, बेल खारिज हो गई, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, न्यायालय ने बड़ा अच्छा आर्डर किया जी, बेल खारिज किया लेकिन सेकंड बेल एप्लीकेशन का ऑप्शन छोड़ दिया जी। न्यायालय ने ये कहा कि आप ट्रायल कोर्ट पे जाइए और वादनी का और विक्टिम का दोनों का बयान होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक, दोनों का बयान होगा, जिरह होगी, पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, और
जो मोबाइल है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ले आई। इतनी चीज़ें जब हो जाएंगी तब आप सेकंड बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अच्छा जी, इतने के बाद लेकिन एक गैंगस्टर और जालसाजी भी पीछे लगा है, अगर मान लीजिए बेल हो भी जाती है तो उसके बाद क्या होगा? मैंने पहले भी कहा था, हाई कोर्ट में बैठा जज बड़ा विद्वान होता है। जी जी जी, उसने परिस्थितियों का को देखा। जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, बड़े आदमी जिनका अपना रसूख है, और एक तरफ एक गरीब आदमी। न्याय की व्यवस्था में गवाहियों को इंटरेस्टेड हो सकते थे, सुलह की बात हो सकती थी, कोई भी बातें कर सकते थे। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि बिल खारिज होनी चाहिए, क्योंकि गवाही हो जाने दीजिए। अगर गवाह जो भी कहता है वो गवाह हो जाए, जिरा हो जाए, सारी चीज़, उसके बाद आप सेकंड बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेकंड बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई प्रायबिलिटी नहीं। सेकंड बेल एप्लीकेशन के बाद इनको जमानत मिल ही जाए, कोई इसकी प्रायबिलिटी नहीं। तो फिर उसके बाद इनके पास विकल्प क्या है? देखिए, इस आर्डर के खिलाफ अगर जाना चाहें तो उनके पास है सुप्रीम कोर्ट। जी, अगर क्या अभी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते अभी सुप्रीम कोर्ट, वो जा सकते हैं। हाँ, किसी भी आर्डर के अगेंस्ट कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जब कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया है कि री बेल एप्लीकेशन पहले डालिए आप, तो बिना री बेल एप्लीकेशन के डायरेक्ट जा सकते हैं? जी, हाई कोर्ट का एक आर्डर है, कोई भी आर्डर के अगेंस्ट जो उससे उच्च न्यायालय है उस पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं इस आर्डर के अगेंस्ट। जी। लेकिन अच्छा, अगर यहाँ रहेंगे हाई कोर्ट में पुनः बेल एप्लीकेशन डालना है तो उनके पास एक ही रास्ता है कि दोनों गवाहों का ट्रायल करा लें, जिरा करा लें, उसके बाद ही वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। जी। अभी हाई कोर्ट जाने का मुईद खान के पास विकल्प है, अगर वो री एप्लीकेशन ना देना चाहें, मतलब यहाँ पर ट्रायल से बचना चाहें तब भी? जी नहीं, आप नहीं समझे। हाँ, जैसे हाई कोर्ट ने एक आर्डर किया है कि फला 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 इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, इसके बाद आप सेकंड बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनके पास उनके ऑप्शन है, वो सक्षम आदमी है, उनके पास लोग भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, इस आर्डर के अगेंस्ट। कुल मिला के आपका कहने का मतलब, ये प्रोसेस इनको अडाप्ट करने के बाद री बेल एप्लीकेशन डाल ना भी डाल के वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जी, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पालन दे सकती है। हाँ, और यहाँ पे जो है, अगर हाई कोर्ट रुके रहते हैं तो हाई कोर्ट का आर्डर, माननीय उच्च न्यायालय का आर्डर, सेशन न्यायालय को मानना पड़ेगा, और उतनी गवाहियाँ डे बाई डे प्रत्येक दिन सुनवाई होगी, और तेज स्पीडी ट्रायल होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का डायरेक्शन हो गया है। हाँ, तो उसी अनुसार ट्रायल होगा, और जब दोनों की गवाहियाँ हो जाएंगी तब ये सेकंड बेल एप्लीकेशन वहाँ डाल सकते। जी जी, अच्छा एक आम तौर पे क्या होता है, आई जी अधिवक्ता आप बात करें, मान लीजिए आपका क्लाइंट है, सपोज कीजिए कि अब आप क्या कहेंगे, री बेल एप्लीकेशन डालने के लिए सलाह देंगे या कि या प्रोसेस अडाप्ट होने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए? देखिए, इसमें प्रोसेस की कोई बात नहीं, इसमें सीधे सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाके वहाँ पे अपनी पैर भी कर सकते हैं और अपने तथ्यों को कह सकते हैं, उनकी बीमारी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी समस्या आ सकती है, उस पर वो बेल। लेकिन हाई कोर्ट ने एक अच्छा आर्डर किया है, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप अगर विक्टिम आपके पक्ष में है, आपको लगता है या जांच गलत हुई है, तो आप जिरा बहस करा लीजिए, उसके बाद सेकंड बेल एप्लीकेशन में आ जाइए। हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा आर्डर किया है, मुईद खान के सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा विकल्प है, लेकिन सारे प्रोसेस को उनको अडाप्ट करना पड़ेगा, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।